आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, भगवान गणेश के जन्मदिन को गणेश चतुर्थी के रूप में पूरे विश्व में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में जाना जाता है। गणेश उत्सव हो या कहीं गणेश चतुर्थी का उत्सव, 10 दिन के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्त होता है। 10 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में भगवान श्री गणेश के भक्त बहुत ही श्रद्धा के साथ उनकी पूजा आराधना करते हैं और उन्हें अपने घर में स्थापित करते हैं। गणेश जी की मूर्ति की स्थापना सभी भक्तगण अपने घरों में करते हैं। जिस तरह से एक अतिथि जब हमारे घर में आता है तो उनके जाने का भी समय होता है, इसी तरह गणेश जी भगवान को जब हम अपने घर में स्थापित करते हैं तो उनकी मूर्ति को का भी विसर्जन करने का समय साथ में ही तय हो जाता है। जितने आनंद और उत्साह के साथ गणेश जी को पूजा जाता है, घर में लाया जाता है, उसी तरह उनका विसर्जन का दिन भी तय होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गणेश उत्सव के दौरान आप जितने भी दिन के लिए गणेश, चाहे वह 1 दिन के लिए हो, 1.5 दिन के लिए हो, 3, 5, 7 या 10 दिन के लिए गणेश जी को अपने घर में लेकर आए, उसी तरह गणपति जी की मूर्ति की स्थापना एक शुभ मुहूर्त में की जाती है, उसी तरह विसर्जन का भी एक शुभ मुहूर्त होता है। जितने भी दिन के लिए आप गणपति जी को लाए हैं उन दिनों में एक बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है, जिसे चौघड़िया मुहूर्त भी कहते हैं। इस मुहूर्त में अगर आप गणपति जी का विसर्जन करते हैं तो यह आपकी जो भी सेवा भक्ति है भगवान गणेश जी के लिए, यह भगवान स्वयं स्वीकार करेंगे और आपको शुभ फल भी देंगे। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि 1, 1.5, 3 या 7, 10 दिनों के लिए लाए हुए गणपति जी का विसर्जन किस शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी टच कर दें, क्योंकि गणेश उत्सव से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस मैं आप अपने चैनल पर अपलोड करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं 1 दिन के लिए लाए हुए गणपति जी का विसर्जन कैसे किया जाता है, आपको किस दिन और किस शुभ मुहूर्त में उनका विसर्जन करना है। अगर आप 1 दिन के लिए गणपति जी को लाकर आए हैं तो गणेश विसर्जन चतुर्थी तिथि के दिन ही पूजा करने के बाद आप कर सकते हैं। इसके लिए कौन से शुभ मुहूर्त में आपको बता देती हूँ। 1 दिन के लिए लाए हुए गणपति जी का विसर्जन 7 सितंबर दिन शनिवार को किया जाएगा। इसके लिए चौघड़िया मुहूर्त इस मुहूर्त है और चर लाभ और अमृत का अपराहन मुहूर्त दोपहर 1:34 से शाम 5:01 का है। लाभ श्यान मुहूर्त शाम को 6:35 से रात को 8:01 तक का है। शुभ अमृत और चर का रात्रि मुहूर्त विसर्जन के लिए रात को 9:27 से 8 सितंबर को देर रात्रि 1:04 तक का है। उषाकाल लाभ शुभ मुहूर्त 8 सितंबर को सुबह 4:37 से सुबह 6:03 तक का है। 1.5 दिन के लिए लाए हुए गणेश जी का विसर्जन रविवार 8 सितंबर को करना होगा और इसके लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त इस प्रकार है। शुभ अपराहन मुहूर्त दोपहर 1 बजे से लेकर 3:26 तक का है और शाम के समय शुभ अमृत मुहूर्त शाम को 6:34 से रात को 10:53 तक का है। 3 दिन के लिए लाए हुए गणेश जी का विसर्जन 9 सितंबर के दिन किया जाएगा। गणेश जी के विसर्जन का शुभ चौघड़िया मुहूर्त इस प्रकार है। प्रातःकाल का अमृत मुहूर्त 9 सितंबर को सुबह 6:03 से सुबह 7:07 तक का है। इसी के साथ प्रातःकाल का शुभ मुहूर्त सुबह 9 बजे से लेकर 10:44 तक का है। अपराह्न काल का चर लाभ और अमृत मुहूर्त दोपहर 1:05 से शाम 6:33 तक का है। शाम के समय का 6:33 से रात को 7:59 तक का है। रात्रि काल का लाभ मुहूर्त रात को 10:12
से रात को 6:33 तक का है। शाम के समय का चरम मुहूर्त शाम को 6:33 से रात को 7:59 तक का है। रात्रि काल का लाभ मुहूर्त 10:52 से रात को 12:10 तक का है। यह समय 10 सितंबर को है। 11 सितंबर के दिन बुधवार को पांचवें दिन का गणपति विसर्जन किया जाएगा। इनके विसर्जन के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त इस प्रकार है। प्रातःकाल का शुभ मुहूर्त सुबह 10:44 से दोपहर 12:10 तक का है। अपराह्न काल का चरम मुहूर्त दोपहर 3:24 से 6:31 तक का है। शाम के समय का शुभ अमृत और चरम मुहूर्त शाम को 7:57 से रात को 12:10 तक का है। रात का यह समय 12 सितंबर के दिन का है। उषा काल का लाभ मुहूर्त 12 सितंबर को रात के समय 3:12 से सुबह 4:38 तक का है। प्रातःकाल का लाभ और अमृत मुहूर्त सुबह 6:40 से सुबह 9:12 तक का है। यह समय 12 सितंबर के दिन का है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा। लेकिन अगर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से गणपति बप्पा का नाम लेकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप जानते हैं कि दोस्तों, 7 दिन के लिए लाए हुए गणपति जी का विसर्जन 13 सितंबर के दिन शुक्रवार को किया जाएगा। और इस विसर्जन के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त इस प्रकार है। सुबह के समय का चर लाभ और अमृत मुहूर्त 13 सितंबर को सुबह 6:50 से सुबह 10:44 तक है। अपराह्न काल का चर मुहूर्त शाम 4:55 से 6:28 तक है। अपराह्न काल का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:12 से दोपहर 1:50 तक का है। लाभ मुहूर्त रात को 9:20 से रात को 4:55 तक का है। अपराह्न काल का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:12 से दोपहर 1:50 तक का है। लाभ मुहूर्त रात को 9:20 से रात को 10:50 तक का है। रात्रि का शुभ मुहूर्त और चर मुहूर्त रात को 12:10 से सुबह 4:38 तक का है। 10 दिन के लिए लाए हुए गणपति जी का विसर्जन अनंत चतुर्दशी पर किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त इस प्रकार है। प्रातःकाल के लिए लव चर लाभ और अमृत मुहूर्त 17 सितंबर के दिन मंगलवार को सुबह 9:10 से दोपहर 1:47 तक का है। अपराह्न काल का शुभ मुहूर्त दोपहर 3:19 से दोपहर 4:51 तक का है। संध्या काल का शुभ मुहूर्त शाम 7:51 से रात को 9:19 तक का है। रात्रि का शुभ अमृत और चर मुहूर्त रात को 10:47 से 18 सितंबर की सुबह 3:10 तक का है। अब मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, अनंत चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ कब होगा। इस तिथि का प्रारंभ सितंबर को दोपहर 3:10 तक और इसका समापन होगा 17 सितंबर को 11:44 तक। दोस्तों, यह थे 1, 1.5, 5, 7, और 10 दिन के लिए गणपति जी को घर में लाने के बाद उनके विसर्जन का दिन और शुभ मुहूर्त। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे श्री गणेशाय नमः लिखना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। देखते रहिए हमारे भक्ति और भाग्य चैनल गणपति बप्पा मोरया।